हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से ही होंगे। और दोस्तों बढ़िया रहना। हाँ, तो आपको पता है पिछले एपिसोड में जो गार्लिक जूनियर है उसने ब्लैक फोक को छोड़ दिया था, जिसने कंट्रोल कर लिया था पूरी दुनिया पर। और बचे थे कुछ चुनिंदा लोग जैसे कि पिकोलो, क्रिलिन, क्रिलिन की गर्लफ्रेंड, हमारा गोहान और सर ड्रैगन, और बाकी सब को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया था। तो अब आगे, तो दोस्तों इस वाले एपिसोड का नाम होने वाला है बैटल इन कामीज लुकआउट। और जो वो सारे बंदे हैं उन्होंने घेर लिया था पिकोलो को। जो पिकोलो है वो उन सब के बीच में खड़े हुए थे, पर वो मुस्कुरा रहे थे। और जो ये सब है ये देखकर थोड़े शॉक थे कि क्या क्या पिकोलो उनसे अकेले लड़ने वाले हैं। और जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो कहती है ये सब क्या हो रहा है, बचाओ मुझे बचाओ। और जो क्रिलिन होता है वो उसके मुँह पर हाथ रख लेता है और कहता है थोड़ी देर शांत रहो। जो पिकोलो है, पिकोलो कहता है कि काफ़ी टाइम बाद मज़ा आएगा फाइट में। और जो एक गार्लिक जूनियर के साथ ही है वो उसे बताते हैं कि तुम्हें मज़े की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कुछ टाइम होगा जब यहाँ पर ब्लैक फोक सारे में फैल जाएगा और यहाँ के लोग मॉन्स्टर बनने लगेंगे। और जो गार्लिक जूनियर है वो अपनी मेन फॉर्म में आ जाएगा और फिर उसके आगे कोई नहीं टिक पाएगा। और ये सुनकर जो क्रिलिन है वो कहता है क्या गार्लिक जूनियर, और बस वो यही कहकर चुप हो जाता है। और उसके साथ ही वी को लोग बता रहे होते हैं कि तुम में से कोई नहीं बचने वाला, अब तुम में कोई नहीं बचेगा चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो। और वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं पिकोलो को, और पिकोलो भी बेचारा उनकी अकेला खड़ा हुआ सुन रहा होता है और ज़्यादा कुछ कहता नहीं है। और फिर उनमें से एक बंदा बोलता है कि जो तुम्हारे साथ ही है अब वही तुम्हारे खिलाफ है, अब तुम कैसे बचोगे, अब तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा। और जो यामचा, बुलमा और चीची है वो बैठे होते हैं घर की छत पर और वो घूर रहे होते हैं भूखे शेर की तरह पिकोलो को। जो पिकोलो होता है वो मुस्कुराता है और अपने कपड़े, मतलब कि व्हाइट कलर के तो भारी कपड़े पहन कर रखता है, वो निकाल देता है और अपने सर की टोपी उतार देता है और कहता है अब वक्त है फाइट का। और तभी वो उड़ा हुआ जाता है और जैसे ही मुक्का मारता है एक बंदे को वहाँ से गायब होकर दूसरी जगह पहुँच जाता है। देखकर पिकोलो शोक हो जाता है। तभी पिकोलो तैयार होता है, उसके पीछे से एक पावर आकर लगती है, ये होता है यामचा। और यामचा उसके ऊपर आकर अटैक कर देता है और गोहान पिकोलो के सामने आता है और कहता है नहीं पिकोलो रहने दीजिए। और जब पिकोलो होते हैं वो हटाते हैं, हटो गोहान, और गोहान को हटा कर पिकोलो के साथ वो यामचा के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। और जो क्रिलिन होता है वो लड़ रहा होता है मास्टर रोशी के साथ, और वो मास्टर रोशी और उसकी बराबर की टक्कर चल रही होती है। और जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है उसे घेर लेते हैं चीची और बुलमा। और जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है वो कहते हैं कि ए क्रिलिन मेरी मदद करो प्लीज़। वो तभी ड्रैगन होता है वो आता है और उसकी गर्लफ्रेंड को उड़ा कर ले जाता है। और चीची और बुलमा उसके ऊपर जो अटैक कर रही होती है उनका सर आपस में टकरा जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो पिकोलो है वो लड़ रहा होता है यामचा के साथ, और अचानक से गोहान फिर से उसके बीच में आ जाता है। गोहान कहता है रुकिए पिकोलो, पिकोलो कहते हैं हट जाओ। तभी यामचा की बिल्ली आती है और वो पिकोलो के मुँह पर चिपक जाती है, जिससे कि यामचा उनके ऊपर अटैक कर देता है। और जो पिकोलो है वो बताते हैं गोहान को, गोहान एक काम करो तुम यहाँ से जाओ फटाफट, क्योंकि ये लोग अपने होश में नहीं है और हमें इन सब से लड़ना पड़ेगा। गोहान पूछता है कहाँ जाए हम, तो पिकोलो बताते हैं उसे तुम्हें जाना होगा कामी पुलिस पर और कामी से बात करनी होगी। और फिर तभी जो पिकोलो है वो ज़मीन पर आकर खड़ा हो जाता है और वो लड़ने के लिए जैसे ही तैयार होता है और उसके पैर ज़मीन में से कोई पकड़ लेता है। और उसके पैर पकड़ने के बाद जो यामचा होता है वो उसके ऊपर कूदकर अटैक कर देता है और वो उसकी गर्दन में काट लेता है जैसे एक डेविल अपने दांत मारता है। और गोहान उड़ता हुआ ये देखता है और कहता है पिकोलो। और जब पिकोलो होता है यामचा को तो एक साइड में फेंक देता है, तभी जो गार्लिक जूनियर है उसके दो साथी आते हैं और आकर उसके हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर मास्टर रोशी और बुलमा कूद जाते हैं पिकोलो के ऊपर और एक दाएं कंधे पर और एक बाएं कंधे पर, दोनों के दोनों उसको काट लेते हैं। और फिर तभी जो पिकोलो होता है वो अपनी पावर अप करता है, उसके साथी भी पीछे जाकर गिरते हैं और वो यामचा और मास्टर रोशी भी पीछे जाकर गिरते हैं। और जो पिकोलो है वो कहता है कि जाओ गोहान जल्दी। गार्लिक जूनियर के साथी है वो कहते हैं कि हे हमें उसे रोकना चाहिए, वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं उसे रोकने की। और फिर तभी जो पिकोलो होता है उसके ऊपर वो तीनों के तीनों अटैक कर देते हैं, यामचा, बुलमा, मास्टर रोशी। और जो पिकोलो होता है पिकोलो बेहोश होकर गिर जाता है। फिर हमें गोहान दिखाया जाता है जो रोता हुआ जा रहा होता है। तभी उड़ता हुआ उसके पास आता है क्रिलिन और कहता है कि हे गोहान तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। फिर तभी उसके पीछे से उड़ती हुई उसकी क्रिलिन की गर्लफ्रेंड आती है और वो कहती है हे तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। और जो क्रिलिन होता है वो कहता है क्या क्या तुम भी जाओगी, तो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड कहती है क्यों मैं नहीं जा सकती क्या। क्रिलिन कहता है हाँ पर वहाँ पर लड़के अलाउड नहीं है, तुम कैसे जाओगी। तो फिर जो क्रिलिन होता है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर मैं देखता हूँ, और वो खुद हो जाती है और कहती है चलो ठीक है चलते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गार्लिक जूनियर है वो देख रहा होता है जादुई वाटर से उन्हें कि क्रिलिन गोहान कहाँ जा रहे हैं। और फिर तभी जो गार्लिक जूनियर के साथ ही है वो लात मार कर ख़त्म करने वाला होता है पिकोलो को। तभी उसका एक बंदा बोलता है हे रुको इसे ख़त्म मत करो, क्योंकि अगर ये मर गया तो कामी भी मर जाएगा, जिससे कि पृथ्वी की ड्रैगन बॉल गायब हो जाएगी और हमें उस ड्रैगन बॉल की ज़रूरत होगी। और तुम टेंशन मत लो, जो उन्होंने
इन्होंने ये कर्ज मांग लिया है, मतलब कि जो इंसान काटा है ये भी हमारा साथी बन जाएगा। फिर तभी पिकोलो उठता है और वो कहता है यह, और उसकी आंखें भी लाल हो गई होती है और वो भी बन गया है गार्लिक जूनियर का ही एक मेंबर। अब सिर्फ जो नॉर्मल है वो बचे हैं गोहान और क्रिलिन। अब ये दोनों बच्चे क्या उखाड़ पाएंगे जब पिकोलो जैसा सबसे ताकतवर है जो फिलहाल पृथ्वी पर वो ही ऐसी हालत में है। फिर तभी हमें अगले प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सयन की कॉस्ट्यूम पहने हुए बहुत सारे एलियन पड़े होते हैं मरे हुए। वो कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो, और फिर हमें दिखाया जाता है जो वेजिटा है वो उन सबको मार रहा है और वो सब कह रहे हैं कि वेजिटा तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी है हम फ्रीजा के आदमी, फ्रीजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तो वेजिटा उसे बताता है कि फ्रीजा कौन फ्रीजा, फ्रीजा मर चुका है, उसे एक सयन ने मार दिया जिसका नाम गोकू है, और तुमने उसे कहीं देखा है, मुझे उसे ढूंढना है, मुझे उसे जल्दी जल्दी ढूंढना है। वो कहता है क्या, और फिर तभी वो अपना हाथ उठाता है और गोली मारने की कोशिश करता है वेजिटा को। वेजिटा उसकी गन पकड़ता है और उसे फोड़ देता है। वो कहता है क्या, एक मंकी ने फ्रीजा को मार दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और फ्रीजिटा को मंकी नाम सुनते इतना गुस्सा आता है वो उसे अपनी कीबलार से उड़ा देता है और चलता हुआ जाता है और कहता है ए कैकरोट कहाँ चले गए तुम, मुझे तुमसे रात पूछना है कि तुम आखिर सुपर सैयन बने कैसे। और फिर वो अपनी स्पेसशिप के पास जाकर खड़ा हो जाता है। फिर तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो गोहान और क्रिलिन है वो छुपकर देख रहे होते हैं कोरिन की प्लेस को कि वहाँ पर कोरिन है या नहीं, और वो छुपके देख रहे होते। अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से आते हैं क्रिलिन के और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्रिलिन और गोहान डर जाते हैं और कहते हैं कि थोड़ी तो शांति रखो यार। और फिर वो कोरिन के प्लेस पर चढ़ते हैं, ढूंढ रहे होते हैं कोरिन को इधर उधर, बहुत ही आराम आराम से पैर रख रहे होते हैं। तो क्रिलिन के गर्लफ्रेंड आते हैं और कहते हैं तुम क्या ढूंढ रहे हो, और वो कहते हैं कि अरे यार थोड़ी तो शांति रखो। फिर तभी जो कोरिन होता है वो सीढ़ी से चढ़ता हुआ आता है और वो ये देखकर खुश हो जाते हैं जो कोरिन है और या जो भी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, उस फोक का इनके ऊपर असर नहीं हुआ। और वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना यहाँ पर किसी अनजान को लाना सही नहीं है और खासतौर से लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। तो जो गोहान है वो बताता है कि अरे ये तो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड है, और ये सुनकर कोरिन खुश हो जाते हैं, कहते हैं क्रिलिन का ये सच है। तो क्रिलिन कहते हैं और फिर जो कोरिन होते हैं वो उसे पूरी बात बताते हैं कि ये ब्लैक फोग है जो कि जिसके फैलने की वजह से लोग आकर अपना कंट्रोल खो देते हैं और सारे के सारे किसी और के कंट्रोल में आ जाते हैं जिसने ये ब्लैक फोग छोड़ा है, और ये सब उसी का हुक्म मानते हैं, और यकीनन ये गार्लिक जूनियर ही है, वो वापस आ गया है। और वो उन्हें कुछ बता रहा होता है कि वो दोनों उड़कर भाग जाते हैं, और वो कहता है कि अरे बेवकूफ़ अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, तुम कहाँ जा रहे हो। और फिर तभी जो क्रिलिन की गर्लफ्रेंड होती है वो गुदगुदी करने लगती है कोरिन को, कोरिन से धमकाते हैं तुम ये क्या कर रही हो बेवकूफ़। और जो क्रिलिन और गोहान है वो पहुँच जाते हैं कामिंग के प्लेस पर और वहाँ जाकर देखते हैं कि यहाँ पर किसी ने हमला किया है, यहाँ तो बहुत तोड़फोड़ मची हुई है। और वो ये सब देख रहे होते हैं कि अंदर से किसी की आवाज़ आती है, वो कहता है कि आओ आओ ठाकुर। क्रिलिन कहता है अरे क्या ये तुम हो। क्रिलिन और गोहान होते हैं जैसे ही वो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, अचानक से वहाँ पिकोलो आ जाता है और पिकोलो अटैक कर देता है उन दोनों के सामने। और तभी गोहान कहता है पिकोलो, तो क्रिलिन उसे कहता है कि ये पिकोलो ये भी उनके अंडर में चला गया है, हमें इससे बच के रहना होगा। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में क्या होगा, क्या गोकू वापस आएगा या फिर पिकोलो ही इन सबको बचाएगा या वेजिटा आकर इन लोगों की मदद करेगा, ये जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।